जो प्रकाश है इसे क्या कहते हैं, लाइट जाती है। तो इसे क्या बना
डीएनए बना देता है इसमें, इसी तरह में क्या बना रहता है डीएनए। और क्या बना रहता है इसमें, राइबोसोम्स पाए जाते हैं पूरे स्ट्रक्चर में। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम्स किसमें पाए जाते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट में। क्या क्या पाए जाते हैं कुछ टाइम देते हैं, क्या पूरी लैंग्वेज समझते हैं, कैसे अपने पास जाएगी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाइए और समझाइए। 5 मिनट में ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्लोरोप्लास्ट की क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्रोटीन को समझाना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट टाइम क्या लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दोहरी क्लाकुंडली होती है। क्या होती है, दोहरी कलात्मक झिल्ली होती है। कैसी होती है, दोहरी कलात्मक झिल्ली होती है, दोहरी कलात्मक झिल्ली होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब बाहरी संरचना आंतरिक संरचना। कौन सी, बाहरी संरचना आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना किसको घेरे में रहती है, इस मैट्रिक्स को, इस द्रव को घेरे रखती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ इस स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया पूर्ण होती है, इसमें अपकाशी का प्रक्रिया पूर्ण होती है। कौन सी, अपकाशी का प्रक्रिया पूर्ण होती है। फिर क्या होता है, इस स्ट्रोमा के अंदर ही छोटे छोटे कण किसके पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के पाए जाते हैं। किनके, राइबोसोम के पाए जाते हैं, जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर क्या होती है, यहाँ सिक्कों के ढेर के रूप में, जैसे एक सिक्का कोई भी अपने रूप में है, जिनका एक सिक्का ले लिया उसके ऊपर दूसरा रख दिया, ऐसे रख करके बहुत सारे ढेर।
पॉइंट्स, तीसरा हाइपोटेन्यूज। इधर लिख देते हैं, लिखा ही होगा। थर्ड कौन सा है? हाइपोटेन्यूज।